विश्वास बनाए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ और 3 करोड़ आवास बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाइयों और बहनों, मैं यहां आया हूं तब आप लोगों को पूछने आया हूं, ऐसा होने वाला नहीं है, मगर कदाचित ये इंडी गठबंधन वो चुनकर आए तो उनका प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है आप बता सकते हो? कौन है बताइए तो जरा, कोई है? आज एक पत्रकार ने बड़े नेता को पूछा कि भाई आपका प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है, तो उन्होंने कहा लालू जी, ममता जी, स्टालिन जी, उद्धव जी, अरविंद केजरीवाल, सब बारी बारी एक साल बनेंगे। भाइयों बहनों, देश ऐसे चलता है? 30 साल तक ये देश ने अस्थिरता देखी है, 10 साल से नरेंद्र मोदी का मजबूत नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ा है। मोदी जी ने कोरोना जैसे संकट काल के अंदर जब राष्ट्रीय आपदा आई, इस देश का मार्गदर्शन किया और देश को कोरोना से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश की जनता को मैं अपील करने आया हूं, देश को मजबूर नेता नहीं चाहिए, देश को मजबूत नेता चाहिए जो देश को आगे बढ़ाए, देश को सुरक्षित करे, बड़े बड़े फैसले ले। मुझे बताओ बेगूसराय वालों, ये राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी, ये लालू जी, एक कम्युनिस्ट, ये सारे इकट्ठा होकर राम मंदिर को अटका रहे थे, लटका रहे थे, भटका रहे थे। मोदी जी ने एक 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, ये लालू यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव, ये सभी लोगों को निमंत्रण भेजा था प्राण प्रतिष्ठा का, मगर वो अपनी वोट बैंक से डर से नहीं गए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, करोड़ों राम भक्तों की जहां आस्था है वो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले एक घमंडिया गठबंधन देश को सुरक्षित रख सकता है क्या? जोर से बोलो, रख सकता है? भाई और बहनों, मोदी जी ने देश को एकजुट करने का काम किया। मुझे बताओ बेगूसराय वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और बिहार वालों का कश्मीर से क्या लेना है। खड़गे साहब, आप 80 पार कर गए मगर इस देश को नहीं जान पाए। बिहार का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ ये धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी, लालू यादव, 70 साल तक धारा 370 को अपने अनोरस बच्चे की तरह गोदी में खिलाते रहे। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 अगस्त 2019 को उन्होंने धारा 370 को समाप्त कर दिया। भाइयों, समाप्त कर दिया। और जब मैं संसद में
धारा 370 को समाप्त करने का बिल लेकर खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा कहते हैं 370 को मत हटाओ। मैंने पूछा क्यों ना हटाए भाई, तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाए। भाइयों और बहनों, आज मैं इस दिनकर जी की भूमि पर राहुल बाबा को कहने आया हूं, राहुल बाबा 5 साल हो गया, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने ये नरेंद्र मोदी सरकार, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला किया, मगर इस बार पाकिस्तान वाले भूल गए कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। कांग्रेस की सरकार नहीं है, बीजेपी की है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये बिहार हमारा, ये कम्युनिस्टों की कृपा से नक्सलवाद से पीड़ित था। ये ही क्षेत्र में सैकड़ों युवा मारे गए। मोदी जी ने पूरे बिहार और झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने यहां से हड़ताल, हत्या, अपराध, आतंकवाद, इस सब का सफाया किया। ये कम्युनिस्टों ने ही रिफाइनरी फर्टिलाइजर प्लांट बंद कराया था। बैरोनी रिफाइनरी का विस्तरण भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुंगेर रेल पुल भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। 20,000 करोड़ रिफाइनरी के लिए खर्च करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। बैरोनी रिफाइनरी की क्षमता को 1.5 गुना बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन 86 करोड़ की खर्चे से बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। जगदीशपुर हल्दिया बोकारो ड्रामा पाइपलाइन, गंगा नदी पर 4 लेन का पुल, 2400 करोड़ रुपया उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना और 31 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और मित्रों, ये चारा चोरने वाली सरकार जाने के बाद नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। भाइयों और बहनों, ये चुनाव जो है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का, गिरिराज जी के नाम के सामने कमल का निशान है, कमल के निशान पर आप बटन दबाकर जितने भी वोट दोगे वो सारे के सारे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आएंगे। भाइयों और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है भारत को संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है पाकिस्तान की हरकतों को मुंह तोड़ जवाब देना। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है पाक प्रेरित आतंकवाद को समाप्त कर देना। इंडी अलायंस वाले कहते हम वापिस आएंगे तो 3 तलाक लाएंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, इस देश में 3 तलाक रहना चाहिए क्या? जोर से बोलो, रहना चाहिए। ये कहते हैं हम वापिस आएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे।
अरे लालू जी, आपको वापिस आना भी नहीं है और पर्सनल लॉ आना भी नहीं है। पूरे देश में यूसीसी लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हैं हम वापिस आएंगे तो 370 वापिस लेकर आएंगे। अरे राहुल बाबा, पूछते लग जाएगी 370 वापिस लाने में। जब तक भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जिंदा है, कश्मीर में तिरंगे को कोई नहीं हटा सकता। भाई और बहनों, मोदी जी के पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का विजन भी है। मोदी जी आने वाले दिनों में इस देश के गरीबों को ढेर सारी चीजें देना चाहते हैं। मैं जहां तक यहां की बात करूं, भाइयों बहनों, गिरिराज जी ने एक क्षेत्र के लिए ढेर सारे काम करे। गंगा पर 6 लेन का पुल, जो पटना जिले का ओंटा को बेगूसराय से जोड़ता है, उसका निर्माण चालू है। रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज का निर्माण चालू है। 1,22,000 गरीबों को गिरिराज जी ने घर दिया है। आयुष्मान भारत योजना 3,75,000 गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। 5,75,000 गरीबों को प्रति माह 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह नरेंद्र मोदी भेज रहे हैं। 4,20,000 बहनों को उज्ज्वला योजना का गैस का सिलेंडर नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। 4,75,000 घरों में नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 1,20,000 किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मंसूर चक बछवाड़ा में 50 बेड का अस्पताल बनाया। विकलांग पेंशन योजना चालू की। ढेर सारे काम हमारे गिरिराज जी ने बेगूसराय के लिए किए। भाइयों और बहनों, मैं जब इस बार यहां आया हूं तब मुझे पूरा भरोसा है कि आप गिरिराज जी को जिता कर भेजेंगे, परंतु मैं आप सभी को विनंती करने आया हूं कि गिरिराज जी का मार्जिन ऐसा हो कि अगले बार ये लाल भाई जो है ना कम्युनिस्ट, पर्चा डालने की हिम्मत न करे, इतने मार्जिन से जिताना। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का ये चुनाव है। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा, लालू जी, ममता, उद्धव ठाकरे, लेलिन, स्टालिन, ये देश को संभाल नहीं सकते। एक मजबूत नेतृत्व चाहिए, पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। 400 पार करा कर दीजिए, आपने 300 सीटें दी। मोदी जी ने 370 हटाया, ट्रिपल तलाक समाप्त किया, राम मंदिर बनाया, करोड़ों गरीबों को अपने जीवन स्तर उठाने का मौका दिया। इस बार 400 दीजिए, देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मुझे बताओ बेगूसराय वालों, गिरिराज जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, माताएं बहनें भी बोले, जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? बिहार की सभी सीट एनडीए को जिताओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, वंदे।